दोस्तों स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और नई वीडियो के साथ हमारे टॉप इन द टिप्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो को आप पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि एक अलर्ट वीडियो है, ताकि दोस्तों काफ़ी लोग इस मुसीबत में फंस जाते हैं, तो एक अलर्ट वीडियो है। और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों चलिए बताते हैं। दोस्तों आपने एक ही मोबाइल देखे होंगे जो दो तरीके के होते हैं। दोस्तों एक मोबाइल एक तो इंडिया का होता है जो इंडिया में लॉन्च हुआ होता है, और एक मोबाइल होता है जो यूके में लॉन्च हुआ होता है। तो दोस्तों दो तरीके के फ़ोन आते हैं, तो दोस्तों इसमें बताना ही है। देखिए आपने करोल बाग में, चोर बाज़ार में ऐसे बहुत सारे देखे होंगे जो जहाँ पे आधे रेट पे मिल जाते हैं। तो जितनी भी दोस्तों फ़ोन की कीमत होती है उससे आधे रेट पे न्यू सील पैक मिल जाते हैं, बट वो यूके के होते हैं। तो दोस्तों उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनके आप बॉक्स पे भी देखोगे तो हर चीज़ एक्स्ट्रा होती है। जैसे आप देखोगे तो इंडिया के फ़ोन में 1 GB रैम होगी तो उसमें 2 GB रैम होगी, मतलब हर चीज़ दोस्तों एक्स्ट्रा होगी नॉर्मल फ़ोन से। तो दोस्तों उन्हें बाय ना करें, उनमें लिखा ज़्यादा होता है पर दोस्तों उनमें हैंगिंग प्रॉब्लम और वो मदरबोर्ड उनका डैमेज होता है, जिनको रिपेयर करके बेचा जाता है। तो इसलिए दोस्तों वो हाफ रेट में मिलते हैं और इस चीज़ में काफ़ी लोग फंसे हैं। दोस्तों मैंने भी एक फ़ोन बाय किया था आधे रेट में, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो एक इंडियन फ़ोन बाय कीजिए जो अच्छा तरीका है और जो सेफ़ तरीका है। तो मैं रेकमेंड करूँगा दोस्तों आप इंडियन फ़ोन ही बाय कीजिए। अगर आप यूके का फ़ोन बाय भी करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बाय कीजिए ताकि उसकी वारंटी मिल सके। अगर आप ऑफलाइन करोगे चोर बाज़ार में से या करोल बाग में से, जैसे जहाँ पे फ़ोन मिलते हैं, तो वहाँ पे वारंटी आपको नहीं मिलती। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स में बताइए अगर आपके भी साथ ऐसा ही कुछ हुआ है तो। और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को।